हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज सोनू गुप्ता एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको कुछ अलग ही बताने जा रहा हूँ जिसमें आप जिसको आप सिंगल लाइट फोटोग्राफी या फिर आप ड्रामेटिक फोटोग्राफी भी कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ ड्रामा क्रिएट किया है। ये ड्रामा आपके सामने इस तरह दिख रहा है। अब आप ये पूछेंगे ये है क्या, तो इसे मैंने ड्रामेटिक फोटोग्राफी के लिए कुछ जुगाड़ करके बनाया है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरफ होल है और इस तरफ से मैंने इसको ऐसा होल बनाया जिससे हम अपने फ्लैश में एडजस्ट कर सके। तो इसी से हम सिंगल लाइट फोटोग्राफी या आप ड्रामेटिक फोटोग्राफी भी कह सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं फोटो कैसे करते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि हम सिंगल लाइट यानी कि ड्रामेटिक फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले लाइट को समझना पड़ेगा कि लाइट की सिचुएशन क्या है, किस एंगल पे आपको लाइट रखना है, आपका मॉडल होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे खड़ा होगा। तो उस हिसाब से हमें लाइट को एक साइड वन साइड मतलब एक साइड रख लीजिए आप इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसा रखते हो, उसमें से लाइट निकल के जाएगी, वो मॉडल के ऊपर जाएगी। ये हमारी मॉडल है, इनका नाम माही है। तो स्वागत करते हैं, आज हम उनके साथ फोटोग्राफी करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज हम जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कैनन का 6D है और इससे हम शूट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है। हमारा मॉडल सामने हमारे तैयार है, अब वो पोज बना के खड़े हैं, अब हम देखते हैं कि फ़ोटो कैसी निकल के आती है। क्लिक करते हैं और आपको दिखाता हूँ ये फ़ोटो हमारी कैसी आई। लगी आपको हमारी आज की फोटोग्राफी? तो मैंने इसमें कुछ 5-7 फोटो क्लिक करे हैं और आपको मैंने दिखाया कि कैसी फोटोग्राफी है ये, ठीक है। तो अगर आपको फोटो वीडियो में ज़्यादा समझ में नहीं आई तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, उस फोटो को देखो, आपकी फोटो क्या निकल के आई है, उस फोटो का डेप्थ क्या है और उसकी फोटो जो सिंगल लाइट पर फोटो शूट हुई है, जो हमने उसमें डायमेंटिक शूट किया है, वो किस तरीके से निकल के आया है। तो आप देखिए और आप बताइए कौन सी फ़ोटो आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको किस तरह से क्रिएट किया उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बताएं कि ये मैंने किस तरीके से क्रिएट किया था और मैं आपको वीडियो में फिर दोबारा अगली वीडियो में बताऊँ किस तरीके से मैंने क्रिएट किया था। थैंक यू, आगे देखते रहें मेरी वीडियो।